ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कलेक्ट्रेट सभागार में अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम के तहत पीड़ितों को राहत राशि बांटी। साथ ही 77 लाख से ज्यादा राहत राशि के प्रमाण पत्र लोगों को दिए। इस दौरान मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश के अतिथि शिक्षकों, बेरोजगारों और किसानों के साथ छलावा किया है। घोषणा पत्र में झूठे वादे किए, जिसका नतीजा था कि सिंधिया जी ने उनकी सरकार गिराई। वहीं किसानों के कर्ज माफी के सवाल पर मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ 2-4 हजार रुपए माफ कर लाखों की बात करने का दावा करते हैं। कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने घोषणा पत्र में डाला था और उन्होंने उनके साथ छलावा किया, धोखा किया। वैसे तो कांग्रेस ने सबके साथ किया, किसान के साथ भी किया। 2 लाख के 10 दिन में उनके मुख्यमंत्री बदलने तक की कह गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो नहीं किया। नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देना था, एक को भी नहीं दिया। ऐसे अतिथि शिक्षक के साथ उन्होंने छलावा किया। घोषणा पत्र कांग्रेस का था वो, और कांग्रेस के घोषणा पत्र को उस समय उनको पूरा करना नहीं कहते, इसलिए सिंधिया जी ने उनका साथ दिया, सरकार गिराई। आप तो न कांग्रेस की मानो, न भाजपा की मानो, न नरोत्तम की मानो, न कमलनाथ की। आप तो अपने चैनल पे 10 दिन में 2 लाख जो हुए हो आप लाके बिठा दो, भ्रम दूर कर दो। थोड़ी मेहनत आप भी करो, समझ में आ जाएगा ना फिर आप लोगों को कि ये कमलनाथ जी क्या आप झूठ बोलते हैं और कैसा बोलते हैं और कितनी बार बोलते हैं। 2-2 हजार रुपये माफ करके, 4-4 हजार रुपये माफ करके, अरे भाई क्यों कहा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि 10 दिन के अंदर 2 लाख रुपए माफ कर देंगे और नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। आप बताओ ना कहा था क्या, वो कहा था तो हुए थे क्या? अगर हुए एक का भी तो आपकी मीडिया पे लाना चाहिए।